पेपर टू कोड एट क्वेश्चन नंबर 37। आप अपने कोड के हिसाब से देख लीजिएगा, एक आपके हिसाब से क्वेश्चन कौन सा, मैं डिक्टेट कर देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए। लेट एफ आर एरो आर मतलब फंक्शन में रियल रियल इज ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन। और दिया है कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। साथ में आपको दिया है कि फंक्शन में जब मैं 1/2 रखता हूं तो फंक्शन मुझे आउटपुट 1/2 ही देता है, फंक्शन में जब मैं 1 रखता हूं तो मुझे आउटपुट 1 ही मिल रहा है। ठीक है, अब सुनिए, कोई ऐसा फंक्शन जैसे 1/2 पे 1/2 मिले और 1 पे 1 मिले, हो सकता है आप fx इक्वल टू x मानो पर fx उसका डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा। तो कोई फंक्शन अगर आपको मानना है तो ऐसा मान लीजिए कि जैसे ये x माइनस 1/2 आ जाए, उसमें x माइनस 1 आ जाए और प्लस x आ जाए, उससे होगा क्या? सुनो, x की जगह पर जब 1 रखोगे पूरी चीज़ 0 और 1 का 1 मिल जाएगा, जब 1/2 रखोगे तो 1/2 0 और ये 1/2। शॉर्ट ट्रिक लगाई। अब ये हो गया एफ एक्स, भाई मान लिया मैंने, अब देखो x की जगह 1/2 रखो पूरा 0, ये 1/2, ये 1/0, ये पूरा 1/2। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करूँ मैं तो f डैश x बताइएगा मुझे, भाई काम करूँ पहले fx को और सिंप्लीफाई कर लो। अब मानने में तो अपन अजीब सा माना है, सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 1/2 प्लस x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/2, ये एफ एक्स है। इसको एफ डैश एक्स करिए कितना आएगा, 2x माइनस 1/2, और एफ डबल डैश एक्स करिए कितना आएगा 2, और मेरी वही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि एफ डबल डैश एक्स का इससे बड़ा होना चाहिए 0 से, है भैया 2 है, मजे से 2 है, 0 छोड़िए 2 से बड़ा। चलिए आइए ऑप्शन देखते हैं कुछ। पहला ऑप्शन एफ डैश 1 0 से कम होगा, मेरा एफ डैश एक्स आया है 2x माइनस 1/2, अगर इसमें 1 रखता हूँ मैं तो देखना जरा, 2 इंटू 1 2 माइनस 1/2 3/2, एफ डैश 1 आया मेरा 3/2 और एफ डैश 1 लेस देन 0 बोल रहा है, कहाँ से होगा, गलत है वो तो। ऑप्शन बी एफ डैश 1 ग्रेटर देन 1, तो एफ डैश 1 3/2 आया, हाँ भाई ग्रेटर देन 1 है। देखिए बी सही हो सकता है पर हम शॉर्ट ट्रिक पे काम कर रहे हैं तो अभी आंसर टिक नहीं करेंगे, अगर कोई दूसरा ऑप्शन सेटिस्फाई होता तो फिर हमें कोई दूसरा फंक्शन भी मान के देखना पड़ेगा, किस्मत है, देखते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं, एफ डैश 1 की वैल्यू 0 से 1/2, कहाँ से 3/2 आ रही है, कहाँ से 0 और 1/2 के बीच में, गलत है। एफ डैश 1, अच्छा एफ डैश 1 ही पूछ रहे हैं वो, 1/2 से 1 3/2 आ रहा है, 1 से बड़ा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास बी, तो आप बी टिक करिए, आगे बढ़िए। लिखिए, लिखो लिखो, क्वेश्चन 38 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, जिनका कोड अलग है मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप अपने देख लीजिएगा सेट का क्वेश्चन, y इक्वल टू वाई एक्स सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन।
है ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी आपको 8√x, फिर ब्रैकेट में अंडर रूट में 9+√x dy बराबर 4+√9+√x, अच्छा इसका भी होल रूट है, की पावर -1। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, और अदर dx भी है। तो इसमें dx को अगर लाऊं तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू अंडर रूट में 4+√9+√x अपॉन 8√x इंटू अंडर रूट में 9+√x। पूरी क्वेश्चन बस अंडर रूट ही अंडर रूट लगे, इसकी पावर -1 है। तो देखिए इधर सिर्फ एक्स ही एक्स का फंक्शन है, मतलब कुछ मेहनत करनी नहीं है, डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन करना है। देख के लग रहा है कि इंटीग्रेशन टफ है, पर आप जरा ध्यान देंगे इसको अगर मैं टी मानता हूं, देखिए अगर ये डी वाई इक्वल टू ये चीज बस इसका इंटीग्रेशन ही तो करना है, तो y क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग dx प्लस कॉन्स्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन देखिएगा आप, वही मेन चीज है। इस चीज को t मान रहा हूं, किसको, ऊपर वाली चीज को, t इक्वल टू 4+√ में 9+√x का होल अंडर रूट। तो मुझे आप dt बताइए कितना आएगा, 1/2√4+9+√x इंटू, अब अंदर वाले का भी होगा, 4 का तो 0 हो गया, इसका क्या हो गया 1/2 इंटू अंडर रूट 9+√x, और रूट एक्स का 1/2√x, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 1/8√x इंटू अंडर रूट में 4+9+√x इंटू अंडर रूट में 9+√x। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं कि देखना 1 बाय, ये दोनों साथ में लिख दूं, 8√x इंटू अंडर रूट में 9+√x, और ये जो चीज है इसको ऐसा लिख देता हूं 4+9+√x की पावर -1। ध्यान से देखिए वो पूरा वही का वही आइटम है, यानी कि अगर आप इसको टी मानते हैं तो ये पूरी चीज dt बन के रह जाएगी और dx भी आएगा। तो ये हो गया सिर्फ dt, मतलब दिखने में बड़ी टफ क्वेश्चन था लेकिन वो सिर्फ dt पे खत्म हो गया। तो इंटीग्रेट कर दूं तो dt का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, t होगा और प्लस c होगा, और t की वैल्यू मैंने मानी थी क्या, अंडर रूट में 4+9+√x का भी अंडर रूट प्लस c। हाँ c ढूंढना पड़ेगा, तो उसने मुझे कंडीशन दी है x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू √7 है, y 0 इक्वल टू √7, तो x 0 रखता हूं y है, तो y 0 बताइए, 0 0 प्लस 9 9 9 का अंडर रूट 3, 3 प्लस 4 7, 7 का रूट √7 प्लस c, और y 0 खुद √7 है, तो √7 इक्वल टू √7 प्लस c, यहां से c कितना आ गया 0। तो यानी मेरा फाइनल y इतनी मेहनत के बाद आ गया क्या, 4+9+√x का अंडर रूट। अब हम मुझसे पूछ रहा है कि x की जगह 256 रखना है, 256, तो आइए देखिए 256 का रूट 16, 16 का 9 25, 25 का रूट 5, 5 प्लस 4 9, 9 का रूट 3, तो y की जब आप x की जगह 256 रखेंगे तो y आएगा 3। तो 3 कौन सा ऑप्शन है, बी, ये कोड 8 के हिसाब से आंसर 3 है, ऑप्शन कोड 8 का बी है, आप देख लीजिएगा आपके कोड में, लिखिए जल्दी लिखिए इसे।
क्वेश्चन 39, कोड बी का क्वेश्चन 39 है। मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूं, आप अपने कोड में देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है। हाउ मैनी 3x3 मैट्रिक्स वाला, हाउ मैनी 3x3 मैट्रिक्स विथ एंट्री 0, 1, 2। एंट्री सिर्फ 0 की, 1, 2 की करनी थी। आर देयर फॉर विच द सम ऑफ डायगनल एंट्रीज ऑफ एम ट्रांसपोज एम इज 5, है ना। अब देखिएगा, जो मेरी मैट्रिक्स है उसको मैं मान लेता हूं A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3। तो M ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस ट्रांसपोज में रो बनेगी कॉलम और कॉलम बनेगा रो। तो A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3। चलिए, M इंटू M ट्रांसपोज की बात कर रहा है, वो डायगनल एलिमेंट्स। तो मैं बाकी एलिमेंट्स में फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायगनल एलिमेंट्स निकालूंगा सिर्फ। तो जो डायगनल एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, M इंटू M ट्रांसपोज के। सिर्फ डायगनल पे फोकस करो, बाकी किसी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, है ना। तो मैं लिख देता हूं भैया, डायगनल एलिमेंट्स ऑफ M ट्रांसपोज M आर, बताइएगा। देखिए, सब डायगनल निकालेंगे हम। तो पहला वाला A1, A1, A1 स्क्वायर, B1, B1, B1 स्क्वायर, C1, C1, C1 स्क्वायर। तो पहला डायगनल एलिमेंट आएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। दूसरा डायगनल एलिमेंट क्या आएगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। और तीसरा डायगनल एलिमेंट आएगा A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। इस डायगनल एलिमेंट को मान लेता हूं स्टार, इसको मान लेता हूं हैश, और इसको मान लेता हूं चांद, ठीक है। अब इन तीनों डायगनल एलिमेंट्स का सम वो बोल रहा है भैया 5 आना चाहिए, यानी कि स्टार प्लस हैश प्लस चांद आपका कितना आना चाहिए, 5। अरे आना चाहिए, ठीक है। 5 किस किस तरीके से आ सकता है, देखिएगा केसेस क्या क्या है। हो सकता है आपका स्टार 5 हो जाए, चाहे हैश 0 हो जाए, चांद 0 हो जाए, एक पे केस तो ये है। या ये हो जाए 4, ये 1 हो जाए या 0 हो जाए, या 4, 3 हो जाए ये, और 1 ये हो जाए और 1 ये हो जाए। ये भी हो सकता है कि ये 3 हो जाए, ये 2 हो जाए और ये 0 हो जाए, ये भी पॉसिबल है। 2, 2, 0 भी रख सकता हूँ, नहीं 2, 2, 1, 2, 2, 1। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई केस नहीं। देखिए, मैंने केस बहुत ध्यान से बनाए, मैं पहले हाईएस्ट 5 पे गया, फिर 4, 3। आप सोच रहे होंगे सर ये भी तो 0, 5 हो सकता, मैं बिल्कुल मानूंगा उसे। यहाँ पे भी वेरिएशन होंगे भाई, स्टार कभी 5 है तो कभी चांद 5 होगा। तो सुनो, वहां कितने केस, 5 यहां भी आ सकता है और यहां भी, तो 3 केसेस तो यहीं बनेंगे। ये तीनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं डिफरेंट, तो फैक्टोरियल 3 यहां बनेंगे। यहां पे कितने बनेंगे, 2 सेम है, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये 3 ही आएगा। और यहां तीनों डिफरेंट है तो फैक्टोरियल 3 बेस से यहां चेंज होंगे, और यहां 2 सेम है इसलिए 3 तरीके यहां से चेंज होंगे। लेकिन इनको जोड़ नहीं देना है, अभी तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ट्विस्ट है। मान लीजिए आपका स्टार 5 होता है, तो 5 होने के भी तरीके हैं। कैसे, मान लीजिए आपका स्टार 5 हो गया, मतलब A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर कितना हो गया, 5। अब 5 कैसे कैसे हो सकता, देखिएगा स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, हर कुछ नहीं लेना है वहां पे, स्क्वायर में ध्यान से काम करना है। और एंट्री सिर्फ 0, 1 और 2 की करनी, अब एक्चुअल एंट्रीज होने वाली है। 5 कैसे बनेगा, अगर इसको ले लूँ मैं 2, 2 का स्क्वायर 4, इसको ले लूँ 1 और इसको ले लूँ 0, 4, 1, 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 0। मतलब यहाँ A1 की जगह 2 आ जाए, B1 की जगह 1 आ जाए और यहाँ 0। और कोई तरीके से आप 5 नहीं बना सकते क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है,
डायरेक्ट पांच तो ला नहीं सकते, रूट पांच की एंट्री तो करानी नहीं है, और कोई तरीका ही नहीं है आपके पास, चार और एक पांच ही हो सकता है। यहां पे ये इंटरनली पांच के जो तरीके हैं वो फैक्टोरियल थ्री हैं, मतलब पांच आने के फैक्टोरियल थ्री तरीके हैं। जीरो आने का तो भैया एक ही तरीका है, तीन नंबर है जिनके स्क्वायर का सम अगर जीरो है, तो अगर मुझे ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर को जीरो करना है तो वो तो एक ही तरीका है, इसको भी जीरो कर दो, इसको भी जीरो कर दो, इसको भी जीरो कर दो, तो यहां सिर्फ एक ही तरीका है। इसके बाद बात करता हूं फोर किस किस तरीके से आ सकता है। देखिएगा, फोर आएगा जब आप वन का स्क्वायर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर को अगर आपको फोर लाना है तो टू का स्क्वायर फोर जीरो जीरो आएगा फोर, और किसी तरीके से वन वन थ्री नहीं आएगा, और किसी तरीके से आ ही नहीं सकता। तो यहां पे ये आएगा कि आप टू जीरो जीरो, और ये आपस में डांस करेंगे तीन तरीके से, फैक्टोरियल थ्री अपॉन फैक्टोरियल टू, तो ये हो जाएगा तीन तरीके यहां होंगे। अच्छा, तीन आने के कितने तरीके हैं, ये तीन लाना है तो ए वन को भी वन रख दो, बी वन को भी वन रख दो, सी वन को भी वन रख दो, उसके अलावा कोई तरीका नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट थ्री ला नहीं सकते, स्क्वायर लगा रूट थ्री तो रखोगे नहीं, और कुछ नहीं, जीरो जीरो कुछ करके भी नहीं आएगा। तो ये तभी आ सकता है जब वन 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 हो, और इसमें कोई डांस नहीं होगा, तीनों ही वन है, तो इसलिए यहाँ एक ही तरीका है थ्री आने का। टू आने के तरीके देखते हैं, ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर बराबर टू। टू देखिएगा कैसे आएगा, वन प्लस वन टू प्लस जीरो, वन का स्क्वायर टू और जीरो, और किसी तरीके से टू आएगा नहीं, डायरेक्ट टू तो आ नहीं सकता, रूट टू का स्क्वायर होगा नहीं, तो ये वन वन और ये जीरो, ये कितने तरीके से बनेगा, फैक्टोरियल थ्री अपॉन फैक्टोरियल टू, यानी तीन तरीके से ये बनेगा। तीसरा केस, ये तो क्या टू हो गया, अब आखिरी बचा एक वन, ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर को अगर आपको वन लाना है तो एक किसी को वन कर दो, बाकी दो को जीरो कर दो, तो वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो यहां भी तीन तरीके होंगे। अब आंसर कैसे लाएं, देखिएगा, सिर्फ इस केस के तीन तो डांस हो रहे हैं इन टू, देखिएगा तीन डांस के इन टू, पांच आने के कितने तरीके, फैक्टोरियल थ्री, जीरो का एक ही तरीका छोड़ो, जीरो का एक ही तरीका, तो फैक्टोरियल थ्री छः, छः इंटू तीन अट्ठारह, यहां से आंसर आएगा अट्ठारह, मैं इस लाइन को मिटाई देता हूं, तो ये कितना आएगा अट्ठारह, ठीक है। चलिए, चार आने के कितने तरीके हैं, तीन, तो मैं इसको तीन से मल्टीप्लाई कर दूं, एक आने का कितना तरीका है, ये रहा एक आने का, तीन तरीके एक आने था ये, तो ये कितने हो गए, थ्री थ्री जा सिक्स, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स। तीन आने के कितने तरीके, एक, एक आने का कितना तरीका है, तीन, और एक आने का तरीका कितना है, तीन, तो इसका तीन का तो एक, इस एक का तीन, और इस एक का तीन, तीन 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 सत्ताईस। थ्री आने का तरीका एक, टू आने का तरीका कहाँ है, टू मेरा ये रहा, उसके भी तीन तरीके हैं, और जीरो आने का एक ही तरीका है, तो थ्री इंटू सिक्स कितना हो गया अट्ठारह। टू टू वन, टू आने के कितने तरीके हैं, तीन, तो तीन इंटू एक और टू के लिए तीन, और वन आने के लिए भी कितना है, तीन, तो थ्री थ्री जा नाइन, नाइन जा एट्टी वन। तो देखना, अट्ठारह यहाँ, छत्तीस यहाँ, कितना, फिफ्टी फोर, फिफ्टी फोर सेवनटीन, एटी वन, एट्टी वन, एट्टी वन, वन सिक्सटी टू, वन सिक्सटी टू प्लस एटीन, वन एट्टी, और कोई केस तो नहीं है, फाइव जीरो जीरो, फोर वन जीरो, थ्री टू जीरो, थ्री वन वन, टू टू वन, एक मिनट, ये थ्री थ्री जा नाइन, सिक्स जा फिफ्टी फोर होगा, है ना, तो बताओ अट्ठारह और फिफ्टी फोर सेवेंटी टू, सेवेंटी टू और ट्वेंटी सेवन, है ना, और प्लस एटीन और प्लस एटी वन, वन नाइन्टी एट हो रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, वन नाइन्टी एट। ऑप्शन कौन सा है, 198 है। अब भाई इस सेट के हिसाब से आपके सेट में देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन ए है, लिखिए
अच्छा क्वेश्चन था, टफ था। केसेस के अंदर कि केसेस के अंदर केसेस? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में मैं डिक्टेट कर देता हूं, आपके सेट के हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो थ्री रैंडमली वाला एक परमिटेशन का क्वेश्चन था। थ्री रैंडमली चूज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्स वाई जेड आर फाउंड टू सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। Then the probability that z is even, z को क्या रखना है? Even। यार अब देखो even तो कुछ भी हो सकता है, जीरो भी even number माना जाएगा, ध्यान रखिए। तो 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है z। तो cases बनेंगे direct तो solve होगा नहीं। अच्छा total तरीके पहले निकाल लेते हैं। अगर x plus y plus z equal to 10 है और आपको non negative solution निकालना है तो उसका direct formula क्या होता है? 10 जो आपका राइट हैंड साइड है प्लस कितने लोग बटे हैं? 3 माइनस 1। सी कितने लोग हैं? 3 माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3 13 माइनस 1 12 C2। चलिए इसको तो छोड़ दो, कहीं ना कहीं कट जाएगा वो। अब जो z, अब वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि z इवन हो। अब भाई जेड इवन तो बहुत बहुत हो सकते हैं, मैं जीरो भी रख सकता हूँ, टू भी रख सकता हूँ, फोर भी रख सकता हूँ, सिक्स भी रख सकता हूँ, एट भी रख सकता हूँ, इवन 10 भी रख सकता हूँ मैं तो। तो देखिएगा अगर मैं केस वन लूँ जेड जीरो, मैं सिर्फ दो तीन केस सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी सारों के डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। तो जेड अगर जीरो है तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या है? 10। एक्स प्लस वाई क्या है? 10। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? 10 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1। 10 प्लस 2 12 में से एक गया, 11 सी 1, यानी कितना आया? 11। केस 2 जब z 2 होगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 10, तो x प्लस वाई बराबर 8, तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1 यानी 9 सी 1 यानी 9। अब देखिए आप ऐसे फालतू टाइम तो बर्बाद करना नहीं है आईटी में, 11 आया 9 आया अगला गारंटीड साथ आएगा। तो आपके जो सॉल्यूशन के आंसर आएंगे वो आएंगे 11 9 7 5 3 1 और 1 से कम 0 तो लेंगे नहीं हम। यानी इतने केसेस में मेरा वो कंडीशन सेटिस्फाई है कि जेड इवन है। तो कितना आ रहा है? 11 और 9 20 27 32 35 36 ये टोटल आ रहा है 36। और टोटल केस कितने थे? 12 C2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल, टोटल कितने थे? 12 C2 यानी 36 अपॉन 12 × 11 / 2। तो ये 6 से कटा, 6 का कटा 6/11। क्या 6/11 ऑप्शन में है? जी ऑप्शन नंबर सी है इस सेट से। अब आप अपने सेट से देख लेना, 6/11 आंसर है, बस आप इतना ध्यान रखिए आपके सेट में जो भी ऑप्शन है वो सही होगा। सेट 8 कोड 8 में आंसर सी है, लिखिए इसे।
क्वेश्चन 41 कोड 8 का आपको दिया है, लेट s इक्वल टू सेट का क्वेश्चन आया था इस बार, सेट दिया है आपको 1, 2, 3... 9 और n के एक चीज दी हुई है आपको, ये जो n के है ये बता रहा है नंबर ऑफ सबसेट्स इस s सेट के, सबसेट्स जहां k दिखा रहा है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर ऑड। अब ऑड मतलब ऐसे पांच एलिमेंट्स लेने हैं आपको इस सेट से ना, इस सेट से कोई भी पांच एलिमेंट्स लेने हैं तो n1 मतलब होगा वो सबसेट्स जिनमें एक ऑड हो बाकी चार क्या हो इवन, n2 मतलब दो ऑड हो बाकी तीन क्या हो इवन, n3 मतलब तीन ऑड हो बाकी दो इवन, n4 मतलब चार ऑड एक इवन, और n5 मतलब पांचों के पांचों ऑड और एक भी इवन नहीं हो। तो आपसे वो पूछ रहा है n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5। एक पहले मैं थोड़ा ऑड नंबर को अलग कर दूं क्या, 1, 3, 5, 7 और 9, ये भैया ऑड अलग हो गए। इवन कौन कौन है, 2, 4, 6, 8, बस चार ही है मेरे पास इवन है ना। अब देखना n1 कितना आएगा, n1 मतलब एक ऑड लेना है तो भैया पांच में से एक को चुनने का तरीका कितना होता है 5c1, और चार क्या लेने हैं इवन तो 4c4, चारों के चारों लेने ही पड़ेंगे तभी पांच सेट होंगे, पांच एलिमेंट्स होंगे। तो ये कितना आएगा भैया 5 × 4c4 तो 1 होता है, तो ये हो गया 5। n2 मतलब पांच दो ऑड हो तो पांच में से दो ऑड चुनने के तरीके 5c2, बाकी के जो तीन है वो इवन है तो चार में से तीन इवन चुनने के तरीके 4c3। 5c2 होता है 10, 4c3 होता है 4, यानी 10 × 4 = 40। n3 का मतलब तीन चुनने हैं ऑड और दो चुनने हैं इवन, 5c3 5c2 के बराबर होता है 10, और 4c2 मतलब 6 और 10 × 6 = 60। n4 मतलब चार चुनने हैं ऑड एक चुनना है इवन, तो 5c4 यानी 5, 4c1 यानी 4, 5 × 4 = 20। और फाइनल हमारा एक बेचारा बचा हुआ n5।